आम आदमी पार्टी कबड्डी खिलाड़ी समाचार कक्ष पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात अजय ठाकुर के समर्थन में उतर आई है। प्रदेश आम आदमी पार्टी के स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों में राजनीति करने का काम कर रही है। सुनील कुमार ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता अपने करीबियों को तरजीह देने का काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को खेलों से पीछे धकेला जा रहा है। सुनील कुमार ने सरकार से पूछा है कि आखिर किस आधार पर खिलाड़ियों को पीछे कर अपने लोगों को प्राथमिकता देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर खिलाड़ियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया है। अजय ठाकुर जी का समर्थन करना चाहूंगा और करता रहूंगा जब तक ये लोग जो इन्होंने अध्यक्ष बना रखे इनको बर्खास्त नहीं करेंगे और नई कमेटी नहीं बनेगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि एक जो पद्मश्री अर्जुन अवॉर्डी है और इतने सालों से जिन्होंने हिमाचल और भारत का नाम रोशन किया है और भारत की झोली में बहुत सारे मेडल डाले, अगर ऐसा खिलाड़ी संगीन आरोप लगा रहा है तो आपको इसकी छानबीन करनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति में खेल लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग फिट रहेंगे और इनका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा रहेगा, बट आप खेलों में राजनीति मत लाइए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी पिछले मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं 30-40 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, या कोई भी खिलाड़ी जो सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना बहाता है, एक उम्मीद लेकर आता है कि मैं भारत का नाम रोशन करूँगा, भारत के लिए खेलूँगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा और मुझे अच्छी जॉब मिलेगी और मान सम्मान भी मिले, बट यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि जो इनके अपने चहेते होते हैं उन्हीं को मिलता है। मैं आपको इसका आंकड़ा जरूर दूंगा, बट अभी मैं यही कहना चाहूँगा जो यहाँ पर इन्होंने DSO लगा के शिमला में अनुराग वर्मा जी, आप उनकी उपलब्धि बताइए कि आप भी मीडिया बंधु वहाँ पर जाके पूछे CM साहब से कि उनकी क्या उपलब्धि है। सिर्फ उनकी ये उपलब्धि है कि ये इनके नेताओं के चहेते हैं, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो। आप अनुराग जी ने कहा है कि 50% खिलाड़ी रहेंगे और 50% इसमें दूसरे लोग रहेंगे, अध्यक्ष पद पे हो चाहे हो, आप इसमें खिलाड़ी को लेके आइए, क्योंकि जब अच्छे खिलाड़ी आगे आएंगे वो तभी खिलाड़ियों का और खेल का विकास हो पाएगा। हम धरना प्रदर्शन देंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।